हाफिज साहब को और आप तमाम अहबाब को मेरी तरफ से एक मरतबा फिर मुबारकबाद कबूल हो। मेरे मुअज्जज़ सामईन कराम और रफ़क़ाए कराम, आज इस वक्त में हम एक ख़ास मकसद के तहत यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और वो मकसद क्या है कि आज माशाल्लाह हाफिज़ साहब ने कुरान मजीद आगे खड़े होके मुसल्ले पे सुनाया, और आप तमाम अहबाब ने कुरान मजीद उनके पीछे पढ़ा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम हुआ कि ये सूरतुल फातिहा से शुरू किया, सूरतुल बकरा, और फिर पढ़ते 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 आज आखिरी सूरत सूरतुल नास पे जाकर इन्होंने कुरान मजीद को मुकम्मल फरमा दिया। इस मौके पर ये हाफिज़ साहब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, पीछे पढ़ने वाले अजीम तरीन लोग वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अच्छा, आज हम दो तीन बातें समझेंगे। सबसे पहली बात तो ये समझेंगे कि ये जो मैंने आपको कहा कि मुबारकबाद के काबिल है, ये मुबारकबाद या मुबारक होता क्या है। मुबारक असल में निकला है बरकत से। इंसान को अगर कोई नेमत मिलती है तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हमें ये बात मालूम होती है कि उस नेमत पर उस इंसान को भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि या अल्लाह, मेरा ये हक तो नहीं था कि ये नेमत मुझे मिलती, लेकिन आपने मुझ पे इनायत फरमाई, फजल फरमाया, बग़ैर इस्तेहकाक के आपने मुझे ये नेमत अता फरमा दी, मैं इस पर आपका शुक्र अदा करता हूँ। ये इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरी अता करदा नेमतों पर मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दोगे तो मैं तुम्हारी उस नेमत में इजाफा करता चला जाऊंगा। इंसान को एक नमाज पढ़ने की तौफीक मिली, ये अल्लाह की तरफ से नेमत मिली। ये नमाज के बाद कहता है, या बारी ताला, मेरा कोई कमाल नहीं, आपका फजल और आपका एहसान हुआ, आपने मुझ पे ये इनाम फरमाया, ये नेमत फरमाई, मैं इस पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको अगली नमाज पढ़ने की तौफीक मरहमत फरमा देंगे। इसको एक अच्छा रिज्क खाने को घर में मिला, ये घर में इस काबिल हुआ कि अपने बच्चों के लिए फल ला सकता, कोई और अच्छी चीज़ ले आया, ईद के मौके पर कपड़े बना दिए, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ अपना रुख और मुतवज्जे हो के ये कहता है, या बारी ताला, मैं तो इस काबिल नहीं था कि मैं अपने अपनी औलाद के अपने घर वालों के नए कपड़े ख़रीद पाता, नए जूते ख़रीद पाता। पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे इस ईद के मौके पर अपने बीवी और बच्चों के लिए नए कपड़े नहीं ख़रीद सकेंगे, नए जूते नहीं ख़रीद सकेंगे। या अल्लाह, मेरा कोई हक तो नहीं था, आपका ये इनाम हुआ, मुझे नेमत मिली, आपने मुझे इतना माल दिया, मुझे इस काबिल बनाया कि मैंने अपने लिए अपने बच्चों के लिए नए कपड़े जूते और घर में खाने पकाने के लिए कुछ सामान मुहैया कर दिया। अब जब ये अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, अल्लाह की तरफ से वादा है, ऐ मेरे बंदे, तुझे मैंने नेमत दी, तू मुझे भूला नहीं, तूने मेरा शुक्रिया अदा किया, याद रखी, तू शुक्र अदा करता रहे, मैं तेरी नेमतों में इजाफा करता चला जाऊंगा। लेकिन आगे जुमला फरमाया, वला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, अगर तूने मेरी हर नेमत पर नाशुक्री का रवैया इख्तियार कर लिया। आपने ऐसे दुनिया में लोग देखे होंगे, अल्लाह पाक ने आफियत फरमा रखी है, रिजक भी दे रखा है, कारोबार भी है, मुलाजमत है, अल्लाह ने औलाद की नेमत से भी नवाजा, अल्लाह ने घर भी अता फरमाया, लेकिन जब आप उनसे पूछें क्या हाल है तो वो आपको हमेशा शिकवा करते हुए नजर आएंगे, बस क्या बताएं,
बड़े बुरे हालात है, कारोबार पे बड़ी मंदी है, मेरे पैसे आते हैं इधर खर्च हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है। बस अजीब है, ये हुक्मरान ही अच्छे नहीं आए, हुकूमत ने पता नहीं ये कर दिया, ऐसे वैसे शिकवा शिकायत हर वक्त उनकी जुबान पर शिकवा और शिकायत रहता है। अब जिसकी शिकवा और शिकायत रहेगा उसको कपड़े मिल गए, लेकिन वो कहता है मेरे कपड़े ठीक हैं, लेकिन ये जो इस आदमी को कपड़े मिले हैं ये अच्छे हैं, ये आला है, मुझे ये तो नहीं मिले ना, गोया नाशुक्री कर रहा है उस नेमत की जो अल्लाह ने इसको अता फरमाई है। अल्लाह फरमाते हैं याद रख इन्ना अज़ाबी लशदीद, तू सारी जिंदगी अगर यही रवैया रखेगा कि मेरी नेमतों के मिलने पर तू ना शुक्री करता रहेगा तो तू याद रख मैं तेरे हालात को मजीद तंग से तंग करता चला जाऊंगा। इसलिए जिसको नेमत मिले उसके जिम्मे है वो शुक्र अदा करे अल्लाह का, और जो दूसरा देखने वाला है उसके जिम्मे है वो इस इंसान को जिसको नेमत मिली है बरकत की दुआ दे, बारक अल्लाहु फीक, अल्लाह तुम्हें इस नेमत में बरकत अदा फरमा दे। ये हम उर्दू जुबान में कहते हैं मुबारक, असल में ये दुआ दे रहे हैं अल्लाह तुम्हें इस नेमत में बरकत अता फरमा दे। और ये कितनी जबरदस्त दुआ है, बरकत का माना समझ लें फिर हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। बरकत किसको कहते हैं? बरकत कहते हैं इंसान को एक नेमत मिले और ये नेमत उसके अपने काम आए, ये उसकी बरकत है। मसलन एक आदमी के पास माल आता है लेकिन उसके खुद के काम ही नहीं आता, कोई कई वजूहत हो सकती हैं। एक वजह यह होती है कि खुदा ना खास्ता कमाता वो है लेकिन उसके खाने वाले दूसरे लोग, इसको ठगने वाले दूसरे लोग, इससे नोचने वाले दूसरे लोग, इसके साथ बेईमानी करके दगा दे के इसको लूट लेने वाले कई लोग, इसके पास पैसा आता है लेकिन इसके जो है वो दोस्त यार झूठे वो करीब लगते हैं और इसकी जो है वो तारीफ करते हैं, वाह जनाब चौधरी साहब, वाह मलक साहब, वाह फलाने, और वो सारे का सारा पैसा इसका निकलवा देते हैं। ऐसे लोग दुनिया में मौजूद हैं, आप भी देखते हैं हम भी देखते हैं कि जो झूठी अना और झूठी इज्जत के बलबूते पर और अपनी झूठी नाक को रखने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, फिर चाहे वो शादी का मौका हो, शादी पे कहते हैं नहीं चौधरी साहब आपके बेटे की शादी तो ऐसी होनी चाहिए, उसके पल्ले कुछ भी नहीं है, उसको चौधरी बना दिया, अब वो उधार मांगता है कर्ज मांगता है, वो कहते हैं मेरी इज्जत और मेरी नाक न कट जाए। तो इसके पैसे इसके काम नहीं आते, फजूल खर्ची में लग जाते हैं, दूसरों के पास चले जाते हैं, ये इसके माल में बरकत नहीं है। दूसरा ये होता है कि आदमी खुद इतना बखील होता है कि पैसे कमाता है, अल्लाह ने उसको फरावानी दी होती है, लेकिन कंजूस इतना है, बखील इतना है कि उसको खर्च करने की हिम्मत नहीं है, पैसे हैं लेकिन ना अपने पे खर्च कर सकता है, ना अपनी औलाद पे खर्च करता है, ना अपनी बीवी पे खर्च करता है, हत्ता कि बीमार हो जाते हैं बच्चे और बीवी, डॉक्टर के पास अच्छे के पास ले जाना नहीं चाहता, कहता नहीं छोड़ो पैसे खर्च हो जाएंगे, डॉक्टरों ने क्या करना है, यहीं से मेडिसिन लो, फलानी खाओ, ये करो वो करो, तकलीफ में ज़िंदगी खुद भी गुजारता है, अपने घर वालों को भी रखता है, बैंक में पैसा मौजूद रहता है, ये इसी तरह गरीबी वाली ज़िंदगी गुजारते गुजारते एक दिन इस दुनिया से सब माल यहीं छोड़ कर खुद आगे रवाना हो जाता है, जोड़ता ही रहता है, बस मैं जोड़ लूं जोड़ लूं, उसे कहते हैं भाई क्या कर रहा है, इन्हीं के लिए जोड़ रहा हूं, और जब उनको जरूरत है उस टाइम में उन पर खर्च भी नहीं कर रहा, इन्हीं के लिए जोड़ रहा हूं, और फिर जब ये अल्लाह के सामने जाता है तो फिर अल्लाह इससे हिसाब लेते हैं उन लाखों रुपए का जो इसके पास मौजूद थे। जिंदगी गुजारी, अजीब बंदा है, जिंदगी गुजारी गरीबों वाली और हिसाब दे रहा है अल्लाह के सामने खड़े होके अमीरों वाला। अल्लाह पूछ रहे हैं तो ये इतना माल दिया था क्या किया,
और ज़िंदगी गुजार के क्या, गरीबों वाली सिसक सिसक के, मर मर के, खुद भी औलाद को भी, बीवी बच्चों पे भी। और फिर इससे भी ज़्यादा सख्ती, ये ज़कात फ़र्ज है लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती ज़कात को अदा करने की। माल है, ज़कात नहीं अदा कर रहा, ये बखील आदमी है, इसके बुखल की इंतहा है, इसके घर में सोना है, चांदी है, पैसा है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है उस सोने और चांदी और उस कारोबार का हिसाब लगाए। और जो अल्लाह ने इसके माल में किसी और का हक फ़र्ज़ करार दे दिया है, ये उसको निकाले और निकाल के उन तक पहुंचाए कि भाई ये तुम्हारा हक है मेरे माल में, लेकिन अल्लाह ने 2.5% फ़र्ज़ किया है और इसके लिए मुझे मसारिफ भी बताए हैं, तो वो तुम लोग हो, लिहाजा ये कबूल कर लो। ये हिम्मत ही नहीं होती, बखील है, कंजूस है, हत्ता के अल्लाह के हक को भी पूरा नहीं कर रहा। तो ये है, इसके माल में बरकत नहीं है, ना अपने काम आ रहा है, ना अल्लाह के हक पूरे कर रहा है, ना बंदों के हक पूरे कर रहा है, जोड़ी जा रहा है और एक दिन मर जाएगा और मर के चला जाएगा, मरते वक्त अपना इलाज भी नहीं करवा सकेगा, उस पर भी रुपया नहीं खर्च कर सकेगा। तो बरकत क्या है कि जो चीज़ अल्लाह ने मुझे दी है, मसलन एक आदमी को गाड़ी मिली, आपने उसको दुआ दी या भाई अल्लाह तुझे इसमें बरकत अता फरमाए, इसका मतलब ये है ये गाड़ी इसके काम आए, इसके सहूलत में इसके काम बने, और अगर घर मिला है तो उसमें इसको रहना नसीब हो, अगर माल मिला है, कारोबार या नई दुकान है, इसमें उसका कारोबार चले, उसको बरकत मिले, मुनाफा मिले, ये बरकत है। अब हम जब ये बात कह रहे हैं कि अल्लाह ताला आपके सुनने में बरकत डाले, इन हाफिज साहब के सुनाने में बरकत डाले, इसका मतलब ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके पढ़ने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, और वो सारी नेमतें जो पढ़ने पर और सुनने पर अल्लाह ने अता फरमानी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो सारी की सारी, पूरी की पूरी नेकियां अता फरमा दे। और अल्लाह पाक सिर्फ इस साल नहीं, हर साल इस कुरान पाक को पढ़ते रहने की और सुनते रहने की तौफीक अता फरमा दे। ये है इस मामले में बरकत का होना कि ये कुरान हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। अब हम इससे आगे चलते हैं, ये कुरान और ये रमज़ान ये बिल्कुल जुड़ी हुई नेमतें हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बच्चों आप बातें ना करें या फिर बेटा आप पीछे चले जाएं, ठीक है, या पीछे चले जाएं, इनको बेटा साहिल पीछे ले जाओ बेटा, या फिर यहाँ पे बैठो बेटा खामोशी से, शाबाश। कुरान और रमज़ान इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, अभी हर रोज़ आप आते हैं, इशा की नमाज़ पढ़ते हैं, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आप वापस नहीं जाते बल्कि इमाम साहब आगे खड़े हो जाते हैं, आप पीछे खड़े हो जाते हैं, वो रोज़ाना सिपारा पढ़ते हैं, आप सिपारा सुनते हैं, क्या रमज़ान का चांद जब ईद उल फितर का नज़र आ जाएगा तो फिर क्या अगले 11 महीने किसी एक दिन भी आप ये अमल करेंगे कि शवाल शुरू हो जाए और हाफिज़ साहब या इमाम साहब कहें भाई आज जो है सारे साथी नमाज के बाद रुक जाएं, जैसे रमज़ान में हम तरावियां पढ़ा करते थे ना, तो आज भी हम कुरान पाक की तरावियां पढ़ेंगे, लिहाजा आप सब हजरात रुक जाएं। कभी देखा किसी ने कि रमज़ान के अलावा कोई, क्या मतलब? इसका मतलब अल्लाह चाहते हैं इस रमज़ान में कुरान पाक खूब कसरत से पढ़ा जाए, खूब कसरत से सुना जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सयाम वल कुरान, ये रोज़ा और ये कुरान दोनों के दोनों अल्लाह के हुजूर में पेश होंगे, क़यामत वाले दिन हम सब एक एक करके अल्लाह के सामने पेश हो रहे होंगे, वहाँ पे तराजू लगा होगा, नामे आमाल तुल रहे होंगे, फैसला होता जाएगा जन्नत में जाना है या खुदा ना खास्ता बुराइयाँ बढ़ गई हैं, पहले जहन्नुम में जाके सजा भुगतनी है, उसके बाद वापस जन्नत में आना है। तो वहाँ पर बहुत सारे सिफारशी होंगे,
बहुत सारे सिफारशी होंगे, उनमें वो साथ खड़े होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ा भी खड़ा होगा और कुरान भी खड़ा होगा। या बारी ताला, रोज़ा क्या कहेगा? या बारी ताला, इस शख्स को मैं इसके ईमान वाला होने की गवाही देता हूँ। या अल्लाह, इसको मैंने दिन भर खाने से रोका, पीने से रोका, नफसानी ख्वाहिशात से रोका और ये रुक गया। या बारी ताला, ये ईमान वाला है, इसकी बेशक गलतियां हैं, मेरी सिफारिश को कबूल फरमा कर इसके गुनाहों को माफ़ कर दीजिए, आज दरगुजर कर दीजिए, अफ़ो दरगुजर का मामला फरमा दीजिए, अपनी रहमत फरमा दीजिए, इसको जन्नत में जाने का फैसला सुना दीजिए। ये बात पूरी करके हटेगा, कुरान आगे आ जाएगा। या बारी ताला, मैं इसकी सिफारिश के लिए हाजिर हुआ हूँ, मैंने इसको रात को जल्दी सोने से रोका, इशा के बाद फौरन जाके सो सकता था, नहीं, दिन भर का थका हुआ होता था, काम भी किया, रोज़ा भी रखा, लेकिन ये खड़े हो जाता था, 20 तरह भी रकत पढ़ता था, उसमें कुरान सुनता था, मुझे सुनता था, मेरी मोहब्बत में सुनता था। या अल्लाह, ये ईमान वाला है, मैं इसकी गवाही देता हूँ, बेशक इसके गुनाह भी हैं, या अल्लाह तू मेरी सिफारिश कबूल कर ले, इसके गुनाहों को माफ़ कर दे, इसको जन्नत में जाने का फ़ैसला सुना दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह इन दोनों की सिफारिश को कबूल फरमा लेंगे। अल्लाह फरमाएंगे बिल्कुल ठीक है, तुम दोनों की बात कबूल, जा, मैंने तो ये जन्नत में जाने का फैसला सुना दिया। अल्लाह हम सबको ये तौफीक अता फरमा दे, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। मैं सिर्फ ये दर्जा रुतबा बता रहा हूँ कि आपने और मैंने जो काम किया ये छोटा अमल नहीं है, ये बहुत बड़ा अमल है। और आज क्या हुआ कि कुरान मजीद की तकमील का मौका है, तकमील का मौका। अच्छा, इस तकमील में आखिरी बात करके हम बात को मुकम्मल करते हैं। जो आखिरी बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये, आपको पता है कि कुरान का मौजू क्या चीज़ है? हर एक किताब का एक मौजू होता है जिसके बारे में उसमें गुफ्तगू की जाती है। हम कहते हैं ये 9वीं क्लास की उर्दू की बुक है, तो सबको पता है कि इसके अंदर क्या होगा, उर्दू से मुतालिका होगा, मजामीन होंगे, ख़त लिखने का तरीका होगा, दरख्वास्तें लिखने का तरीका होगा, अल्फाज जमा होंगे, अल्फाज मुतरादिफ होंगे। अच्छा, ये साइंस की बुक है तो पता लग जाएगा इसके अंदर सारे के सारे साइंस की चीज़ें होंगी। ये मैथ की है, ये फिज़िक्स की है, ये केमिस्ट्री की है। हम मुसलमान हैं, हमारे लिए कुरान उतरा है, आपको पता है कि कुरान का मौजू क्या है? कुरान का मौजू मैं और आप हैं, यानी हजरत इंसान है। इस कुरान के अंदर मेरी और आपकी तमाम तर कैफियात का तज़करा है, मेरे और आपके जो जज्बात हैं, मेरे और आपके दिल में आने वाले जो ख्यालात हैं, मेरे और आपके जो रवैये हैं, कभी गुस्से का रवैया, कभी नफरत का रवैया, कभी मोहब्बत का रवैया, कभी नफ़ा मिल जाना, कभी नुकसान मिल जाना, ये कुरान में सब लिखा हुआ है कि तुमने इन हालात में ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो एक बात करके बस बात को मुकम्मल करते हैं, बहुत तफसील है इसमें, मैं सिर्फ एक बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम सबको पता चले और हम इस कुरान को सीखने की तरफ भी कदम उठा लें। आखिरी पारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सूरत है उसके अंदर उसको आगाज किया, फरमाया वैलुल मुतफ़िफ़ीन अल्लज़ीन इज़ा इक्तालू अलन्नास यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून। अल्लाह फरमा रहे हैं और मैं बता रहा हूं कि ये मेरे और आपके लिए फरमा रहे हैं, फरमाया बड़ी ही बर्बादी है, हलाकत है, खसारा है, नुकसान है। वैल के सारे माने हैं, किसके लिए? तदफीफ करने वाले के लिए। ये तदफीफ क्या होती है? अल्लाह ने फरमाया ये तदफीफ ये होती है कि जब किसी से हक लेने का बारी आए तो उससे पूरे पूरे हक का मुतालबा करे, मेरा हक पूरा पूरा अदा करो। एक औलाद है वो अपने बाप से आज शाकी है, शिकायत करती है, शिकवा करती है, मेरे वालदैन ने बड़ा कुछ किया लेकिन ये नहीं किया।
ये भी करना चाहिए था इनको। ठीक है, मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाई कराई, मकान क्यों नहीं बना के दिया? शादी करवा दी मेरी, ठीक है, मकान क्यों नहीं बना के दिया? सारी जिंदगी पता नहीं क्या करते रहे, अपना जाती मकान ही नहीं बनाया। हम दो भाई थे, दो मकान तो कम से कम बना देते। कोई कहता है नहीं, पाला पोसा, हमें पढ़ाया लिखाया, फिर हमें जनक घर भी अलग अलग दे दिए, खुद मेहनत करके बना के दे दिए, हमें कारोबार क्यों नहीं अलग अलग करवा के दिया? बढ़ता ही जाता है इंसान शिकवे में, शिकायत में। फरमाया कि जब ये हक लेने की बात करता है तो पूरा 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 हक चाहिए, लेकिन जब हक देने की बात करता है कि भाई तूने अपने वालिद के लिए क्या किया है, तू तो सीधी तरह उनसे बात भी नहीं करता, उन्होंने तो तुझे पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, बड़ा किया और तेरी शादी की, बस जब से शादी की उस वक़्त से तेरे दिल में बाप की कदर और मंजिलत ख़त्म हो गई। फिर तुझे सिर्फ शिकवे शिकायतें ही बाप में नज़र आते हैं, फिर तुझे यही नज़र आता है मेरे बाप ने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये विरासत है बस तकसीम कर दो, बांट दो, हक दे दो, हिस्सा दे दो। तूने क्या किया अपने वालिद के लिए? तू जवान है, आगे बढ़ता, तुझे तो ये भी नहीं पता कि वो दवाई खाते हैं कि नहीं खाते, कभी दवाई तक तुझे ला के देनी नसीब नहीं हुई। तो अपना हक लेना है तो एक एक कॉपी पेंसिल लेके नोट करेगा, ये भी ये भी ये भी, लेकिन जब देना है तो फिर उसके अंदर यस्तौफून, जब लेना है तो पूरा पूरा, और जब देना है तो यक्सिरून, कम कर देना, उसमें खसारा कर देना, उसमें कंप्रोमाइज कर देना। ये इंसान का हर जगह पे रवैया होता है। इंसान बाप हो तो अपनी औलाद से भी कहता पूरा पूरा हक अदा करो, ये नहीं देखता मैंने इनको दीन तो सिखाया नहीं, आज मेरा अदब इसलिए नहीं कर रहे। तुम कैसी औलाद हो, तुम तो मेरा कहना नहीं सुनते। भाई तुमने इनको बताया ही नहीं बचपन में अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का तरीका क्या है, इनको दीन तो सिखाया ही नहीं, तुमने सिर्फ और सिर्फ दुनियादारी में लगाया, तो वो तो इसी तरह का जहन बनेगा, वो तुम्हें इसी तरह ही देखेगा जिस तरह वो देख रहा है। तो हक लेना है औलाद से तो पूरा पूरा, लेकिन हक देना था जब बारी थी तब नहीं दिया। बीवी अपने शौहर से कहती है ये काम भी पूरा करें, ये भी पूरा करें, ये भी पूरा करें, लेकिन जब हक देने की बात आती है तो फिर कमी कोताही। शौहर अपनी बीवी से पूरे हुकूक का मुतालबा करता है, लेकिन जब उसके हक अदा करने की बारी आती है तो कमी बेशी। मदीना मुनवरा में एक बाजार था जिसमें यहूदियों का कब्जा, यहूदी पहले से तिजारत पेशा है, इनका दिमाग माल कमाने में बहुत ज़्यादा लगता है। कुरान में अल्लाह ने इनके कई जगह पे जिक्र फरमाया कि ये तो जो है माल से शदीद मोहब्बत करते हैं और अपनी ज़िंदगी से भी शदीद मोहब्बत करते हैं। लव युअम्मरु अल्फसना, इनमें से हर एक की ख्वाहिश होती है काश मैं 1000 साल की उम्र जी कर इस दुनिया से जाऊँ। तो इन्होंने वहाँ पर दो तरह के तराजू रखे हुए थे, एक वो था जो लोग आया करते थे दूसरे इलाकों से, गांव से, देहातों से, अजनास लेके, खजूर लेके, गल्ला लेके, तो जब वो आते तो ये उस बाजार में खरीदते उनसे सौदा, तो अलग तरह का तराजू, अलग तरह का बट्टा बाट, अलग तरह का वो वज़न करने वाला आला, और उसके मुताबिक तोल तोल के ले लेते, उसका वज़न ज़्यादा होता, भारी होता, पूरा होता, और जब ले लेते तो फिर वो तराजू उठा के अलग रख देते और दूसरा तराजू निकाल के बाहर सजा देते, ये देने वाला है, लेने वाला और पैमाना, वो जो ज़्यादा और पूरा पूरा है, और देने वाला नाकिस पैमाना। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हिदायत दी अपने सहाबा को, हम इस बाजार का बाइकॉट करेंगे, हम इस बाजार में अपनी चीज़ों की खरीदो फरोख्त नहीं करेंगे, हम मदीना मुनव्वरा में एक अलग से बाजार लगाएंगे, ये मुसलमानों का बाजार हुआ करेगा, यहाँ पर लेने का पैमाना भी वही होगा और देने का पैमाना भी वही होगा। अल्लाह हमें इस अमल में तौफीक अता फरमा दे कि हम जो है वो कि हम ये चीज़ समझ जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें ये हुकूक दिए हैं हम लें भी और पूरे पूरे दें भी। ये एक चीज़ है जो मैंने आपके सामने कुरान मजीद की रखी है, ऐसे बेशुमार रवैये हैं
जो कि हमारे अंदर हमें सीखने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह इस कुरान पाक को हमें पढ़ते रहने की तौफीक नसीब फरमा दे, अल्लाह इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। और ये आज की रात कुरान मुकम्मल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तरावियों की भी छुट्टी हो गई, ये नहीं है। तरावियां तो आखिरी रात तक इसी तरह एहतमाम के साथ मस्जिद में आकर हमने अदा करनी है, इसलिए क्योंकि ये रातें जो चल रही हैं इन्हीं में लैलतुल कदर मौजूद है। ये रातें बड़ी एजाज वाली रातें हैं, इन रातों को ज़ाया करने की हम हिम्मत नहीं कर सकते, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे चांद रात, उस दिन तो एतकाफ़ वाले भी एतकाफ़ से उठ जाते हैं। और अल्लाह फरमाते हैं आज की रात का नाम क्या है, लैलतुल जायज़ा, इनाम देने वाली रात। और हम अल्लाह की तरफ से रुख को पल्ली तरफ मोड़ के भागना शुरू कर देते हैं, या अल्लाह हमें तो इनाम नहीं चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो 5 रातें इबादत करके जिंदा कर लेगा क्यामत वाले दिन सबके दिल मुर्दा हो जाएंगे, इस शख्स का दिल अल्लाह मुर्दा नहीं होने देंगे। उनमें से 2 रातें ईदैन की रातें हैं जिसको हम चांद रात कहते हैं। तो हम तैयार करते हैं इंशाल्लाह, पिछली चांद रातें जैसी भी गुजर गईं, बाजारों में गुजर गईं, शोर शराबे में गुजर गईं, ये वाली इंशाल्लाह चांद रात अल्लाह की इबादत के अंदर गुजारेंगे इंशाल्लाह। हम इसमें अल्लाह से इनाम लेंगे, अल्लाह से मांगेंगे या बारी ताला तू हमें भरपूर इनाम अता फरमा दे और दुनिया में भी अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना, आखिरत भी अल्लाह से मांगेंगे, वकिना अज़ाबन नार, और आखिरत के अजाब से हमें महफूज फरमा दे। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मा आयशा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मुझे पता चल जाए आज की रात लैलतुल कदर की रात है तो मैं अल्लाह से क्या दुआ मांगूँ। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फ़कूली, तुम यूँ दुआ करना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी, ऐ बारी, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अल्लाह से अपनी बख्शिश करवा लेना, अल्लाह से मुआफ़ी मांग लेना। ए अल्लाह आप मुआफ़ करने वाले हैं, मुआफ़ी को पसंद फरमाते हैं, ए बारी ताला मुझे भी मुआफ़ फरमा दीजिए। तो इंशाअल्लाह हम इसी दुआओं के साथ इन रातों और दिनों को गुजारेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक पढ़ने समझने इसके मुताबिक अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा दे। वाखिरु दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يا باري تعالى هم سب کے چھوٹے بڑے اعلان छुपे हर किस्म के गुनाहों को मुआफ फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवुन तुहिब्बुल अफ्वा फ़ाफ़ु अन्ना, या बारी ताला हम अपने गुनाहों पर अकड़ते नहीं, इसरार नहीं करते, एतराफ़े जुर्म करते हुए माफ़ी मांगते हैं। या बारी ताला हमारे और पूरी उम्मत के गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या बारी ताला जितने मुसलमान बीमार हैं अपने घरों में या अस्पतालों में हैं, तमाम बीमारों को शिफाए कामला आजला मुसमिरा नसीब फरमा। जितने मुसलमान परेशान हाल हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमा। जितने मुसलमानों के दिलों में नेक हाजात और नेक तमन्नाएँ हैं, या अल्लाह सबकी नेक हाजात और तमन्नाओं को
पूरा फरमा। या बारी ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, अंदरूनी बैरूनी साजिशों से महफूज फरमा, हर किस्म के बहरानों से निजात अता फरमा। या अल्लाह हम आवाम को भी हिदायत अता फरमा, या अल्लाह हमारे हुक्मरानों को भी हिदायत अता फरमा। या बारी ताला ये मस्जिदों की रौनकें जैसे रमज़ान में आबाद हैं, या अल्लाह हम मुसलमानों को तौफीक अता फरमा, सारे साल तेरे घरों और मस्जिद को हम ऐसे ही आबाद कर सके। या अल्लाह सारे साल कुरान पाक पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह इस कुरान पाक को सुनते रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह वो मदारिस, वो मस्जिद, वो इदारे जो कुरान को कायम रखे हुए हैं, पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, या बारी ताला उनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियात नसीब फरमा। या अल्लाह हमें उनका दस्त बाजू बनने की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह हमें भी उनके साथ खड़े होकर बाकायदा शिरकत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी औलादों और नस्लों से भी दीन का काम ले। या अल्लाह जिस तरह यहाँ पे ये बच्चे हाफिज, या अल्लाह कुरान पाक सुनाते रहे, या अल्लाह हमारी औलादों और नस्लों में भी ऐसे हुफाज पैदा करमा। या अल्लाह जो तेरे घरों में खड़े होके कुरान पाक सुनाए और हम उनके पीछे खड़े होके कुरान पाक सुने। या बारी ताला ये हमारी दुआएं हैं, ये हमारी तमन्नाएं हैं, या अल्लाह तो इनको पूरा फरमा। या बारी ताला मुसलमान जहाँ कहीं भी मजलूम है, या अल्लाह उनकी मदद और नुसरत फरमा। या अल्लाह बच्चों की हिफाजत फरमा, औरतों की हिफाजत फरमा, मर्दों की हिफाजत फरमा, बूढ़ों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह उनके ईमान की हिफाजत फरमा, जान की हिफाजत फरमा, मालो असबाब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जालिमों को शिकस्त अता फरमा, तबाहु बर्बाद फरमा। या बारी ताला मजलूमों को फतह नसीब फरमा। या बारी ताला जो कुछ हमने मांगा वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके लेकिन हमारे लिए बेहतर है उससे भी महरूम ना फरमा। या अल्लाह ये बख्शिश के दिन और बख्शिश की रातें हैं। या बारी ताला हमारे वालदैन इस दुनिया से चले गए, या अल्लाह बड़े जितने थे, या अल्लाह वो चले गए, या अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या बारी ताला हमें भी मौत से पहले मौत की तैयारी कर लेने की तौफीक अता फरमा, हम सब का खात्मा भी ईमान पर फरमा। या अल्लाह जितने मुसलमानों ने आज की इस तकरीब के लिए इंतजाम किए हैं, किसी भी तरीके से शिरकत फरमाई है, उनके जान में, माल में, इज्जत में, औलाद में, रिजक में बरकतें अता फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन आमीन।